गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग जो मेनली आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम लोग जो पढ़ेंगे फैन लॉ। और इस मॉड्यूल में हम लोग कुछ डाउट भी लेंगे, कुछ लोगों ने कमेंट में हमने डाउट डाले हैं, उसको डाउट को हम लोग लास्ट में लेंगे। लेकिन आज जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, फैन लॉ। एक्चुअली फैन लॉ का जो बेसिक कंसेप्ट होता है कि हमको फैन लॉ तो पता रहता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि इन जो फैन लॉ उसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि अप्लाई एप्लीकेशन का जो पार्ट आता है। तो कई बार इंटरव्यूज में हम लोग देते हैं, इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है कि फैन लॉ होता है, हम लोग बता तो देते हैं कि भाई ये होता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, फैन कर्व ड्रॉ कैसे करता है, अगर कोई किसी को फैन कर्व ड्रॉ करना हो तो फैन कर्व ये आता कैसे है, वो हम आज मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, ठीक है ना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो चीजें मैं बताता हूँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो इस मॉड्यूल में आपको मैं समझा रहा हूँ। दूसरा जो चीज हमको जो फैन लॉ के बारे में पता है नहीं, ये जो फैन लॉ रहता है, ये फैन लॉ हमारा जो एप्लीकेबल होता है वो किस चीज के लिए एप्लीकेबल होता है हमारा, ये जो हम लोग इक्वेशन लगाते हैं Q1 by Q2 = N1 by A2, head की N1 by A2, ये जो हम लोग लगा रहे हैं, हम इसके लिए लगा रहे हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए। दो तरह के फ्लूड होते हैं हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में, एक होता है कंप्रेसिबल फ्लूड, एक होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूड का मतलब होता है कि आपका जो डेंसिटी, मतलब जो डेंसिटी होती है इंडिपेंडेंट होती है अपने टेम्परेचर के, ठीक है ना। तो डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है, जबकि कंप्रेसर फ्लूड में, कंप्रेसिबल में क्या रहती है, आपकी डेंसिटी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ। तो ये जो इंडिपेंडेंट, जो कंप्रेसिबल फ्लूड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है, ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोग फैन लॉ लगा रहे हैं इसमें डेंसिटी करेक्शन फैक्टर भी लगता है। लेकिन हमने मान लिया कि हमारा जो फ्लूड है वो इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि जब हम लोग फैन को जब डिजाइन करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग 19-20 का ही फर्क आता है। तो हमारे लिए ये कंडीशन रहती है कि हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल के लिए इक्वेशंस ये वैलिड है। अगर कोई पूछे ये कंप्रेसिबल के लिए वैलिड है, तो कंप्रेसिबल में आपको इसको डेंसिटी करेक्शन फैक्टर के लिए लेकर जाना पड़ेगा। एक तो हमने जो फैन लॉज पढ़ेंगे Q1 by Q2 = N1 by N2 होता है, ये होता है, ये होता है, फलाना फलाना। अब इसमें दो चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं फैन लॉ की बात करता हूं तो ये जो Q1 जो फ्लो है मेरा वो किसके प्रोपोर्शनल है, अगर मैं फ्लो की बात करता हूं, फ्लो मेरा प्रोपोर्शनल है आरपीएम के। तो N जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और मेरा जो Q है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब अगर मैं आरपीएम के साथ चेंज करूंगा तो मेरा जो फ्लो है वो भी चेंज होगा। दूसरा, इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं, H1 by H2 की बात करता हूं, इसकी हेड की बात करता हूं, तो मेरा जो हेड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। हेड जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम लोग फैन कर्व ड्रॉ करेंगे तो फैन कर्व जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमको ये सारी जो चीजें हैं ये पता होनी चाहिए कि ये रिलेशन फैन कर्व पे कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे कोरिलेट होते हैं। तीसरा, हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो पावर होता है वो पावर क्या होता है, अगर मैं हेड को और उसको, मतलब हेड अगर मैं हेड को, अगर मैं डेल्टा पी को, जो प्रेशर ड्रॉप को अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा पावर आ जाएगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को, इन दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरी ये इक्वेशन आ जाती है P1 by P2 = N1 by N2 का होल क्यूब। इसका मतलब जो पावर है वो मेरा किसके प्रोपोर्शनल है, आरपीएम के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब हमको फैन कर्व, जो अभी तो हमने फैन लॉ पढ़ लिया है, ठीक है ना, अब इस फैन लॉ का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। दूसरा, एक और जो इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है D1 by D2। जो फ्लो जो रहता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायमीटर के होल क्यूब होता है। इसका मतलब मेरा जो Q1 है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो मेरा D1 है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। D1 क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब क्या होता है, इसी तरीके से जो हमारा हेड होता है वो हेड होता है वो D1 by D2 को स्क्वायर होता है, डायमीटर के होल स्क्वायर होता है। अगर कोई, अगर आपको सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर की तैयारी करता है तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है कि डायमीटर अगर मेरा फ्लो इतना दिया है, Q1 Q2 दिया है, अगर मेरा डायमीटर चेंज होगा तो उसमें नया D2 कैसे वेरी करेगा। तो उस केस में ये आपके जो कोरिलेशन होता है, अगर कोई एनर्जी ऑडिटर एग्जाम देता है तो ये कोरिलेशन आपको वहां पर काम आएंगे। सिमिलरली H1 by H2 जो हेड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, D1 by D2 का स्क्वायर होता है। अगर मैं इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई कर दूं Q1 by Q2 × H1 by H2 तो मेरा क्या हो जाएगा, D1 by D2 की पावर 5 हो जाएगी। तो अभी इस मॉड्यूल में हमने तो कोरिलेशन पढ़ लिया है कि भाई अगर मेरा फैन, अगर ये मेरे फैन लॉ है,
जिसमें मेरे N1 और जो RPM और डायमीटर है ये मेरे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब होता क्या है, अब उसको फाइनल कर जो लॉ है उसको हम लोग प्रैक्टिकली, क्योंकि आपको ये सारी चीजें बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन बुक्स में आपको मिल जाएंगी लेकिन प्रैक्टिकली एप्लीकेशन क्या होता है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ये तब होता है जैसे कि मान के चलो हमको एक पर्टिकुलर डायमीटर का पंखा इंपेलर का एक हमको डिजाइन करना है, ठीक है ना। अब उसका स्पेसिफिकेशन हमको पता है तो हम लोग क्या करते हैं, लैब में इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट करने के बाद हम उसको कर्व ड्रॉ करते हैं। मान लो उसी टेम्परेचर प्रेशर और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का हमको हाई डायमीटर का इंपेलर चाहिए, मतलब हमको मतलब जैसे कि आपको कंडीशन जैसे कि आपका प्रीटर फैन है, प्रीटर फैन में आपको 6 लाख मीटर क्यूब का पंखा है, ठीक है, और आपको टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, ठीक है ना। अब आपको करना कि कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको पंखा चाहिए 12 लाख का मान के चलो, तो 12 लाख का मान लो आपको पंखा चलाए तो उसका इंपेलर का डायमीटर बढ़ाना। लेकिन हमारी जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस का मतलब है कि वहां पर टेम्परेचर और जो जो कहते हैं फर्स्ट स्टैटिक प्रेशर वेरी करेगा, जो टेम्परेचर की जो ऑपरेटिंग कंडीशन है वो डेंसिटी मेरी लगभग कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में हम लोग करते हैं इसका जो इक्वेशन है D1/D2 वाला, मतलब अगर मेरे को Q1/Q2 पता है, अगर मेरे को Q1 पता है कि मेरे को मान लो 6 लाख मीटर क्यूब के लिए मेरा डिजाइन है और Q2 में 12 लाख पे लेके जा रहा हूँ और D1 मेरे को पता है तो मैं D2 लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन उस केस में हमारा ये रहता है, ये कंसेप्ट होना चाहिए कि दोनों इंपेलर एक दूसरे के होमोलोगस होना चाहिए। होमोलोगस का मतलब होता है कि इंपेलर की जो दोनों की जो कंडीशन है, जो ज्योमेट्री है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलो वो एरोफाइल अगर मान लो वो बैकवर्ड डिजाइन का है तो ये भी बैकवर्ड डिजाइन क्या होना चाहिए, उसकी जो सिमेट्री होनी चाहिए, उसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए, दोनों की सिमिलर होनी चाहिए, तभी हम लोग ये लोग जो इक्वेशन है, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन जो हम लोग लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, होमोलोगस के लिए लगाते हैं। होमोलोगस जो रहते हैं, होमोलोगस का मतलब हो गया कि आपकी जो डिजाइन कंडीशंस हैं दोनों फैन की सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई फैन बैकवर्ड डिजाइन है तो दूसरे वाला इंपेलर भी बैकवर्ड कर्व का डिजाइन होना चाहिए। ये बैकवर्ड कर्व क्या होता है, फॉरवर्ड कर्व क्या होता है, हम किसी दूसरे से हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो पंखे होते हैं उसमें एरोफाइल डिजाइन होता है और एक्सियल फैन होते हैं, और ये जो फैन लॉ मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फैन के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए बात कर रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फैन के लिए, ठीक है ना। तो दो तरीके के फैन होते हैं, एक्सियल फैन होता है, सेंट्रीफ्यूगल फैन होता है, तो वो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फैन में, एक्सियल फैन में क्या होता है। लेकिन अभी ये जो मॉड्यूल है ये इस चीज को फोकस करता है कि जो हम लोग फैन लॉ पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फैन में उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। तो जब मैं Q1/Q2 को D1/D2 को होल क्यूब लगाता हूं तो ये मेरा किसके लिए एप्लीकेबल है, होमोलोगस फैन के लिए। होमोलोगस फैन का मतलब है कि मेरी जो सिमेट्री होनी चाहिए, जो जिसकी ज्योमेट्री होगी दोनों फैन की सेम होगी, बस मेरा क्या चेंज हो जाएगा, मेरा हाई वॉल्यूम में जो कंडीशन वंडीशन है वो चेंज हो जाएगी लेकिन उसकी जो सिमेट्री होगी वो ऑटोमेटिकली सेम रहेगी। तो ये एक हमारा हो गया फैन लॉ के बारे में। अब क्या होता है, अब इस फैन लॉ से हम लोग कैसे फैन कर्व बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये मान के चलो, और मैंने आपको एक बात बता दें कि भाई हमने एक परफॉर्मेंस टेस्ट किया, परफॉर्मेंस टेस्ट से हमको क्या मिल गया कि हमको एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल गया। मान लो हमने 5000 मीटर क्यूब का, क्योंकि हर कोई मुझसे ही पूछेगा कि सर ये जो फैन कर्व हमको देते हैं सप्लायर वो बनता कैसे, वो बनता इसी से है, इसी फैन लॉ से बनता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे बनता है। अब क्या होता है, कि हमारा अगर मैं सिंपल सी तरीके से बताता हूं, ये मेरा हेड होता है इस साइड में और इस साइड में मेरा फ्लो होता है। अगर कोई मुझसे हेड का और फ्लो का रिलेशन पूछे तो मेरा रिलेशन जाता है ऐसे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं क्यू बढ़ाते जाऊंगा, मेरा हेड जो H होगा H कम करते जाएगा। मतलब अगर मैं Q बढ़ाऊंगा तो मेरा हेड डिक्रीज होगा। भाई ये क्या है ना, अगर मैं Q बढ़ा रहा हूं तो मेरा हेड कम। अब इसको हम लोग इंपॉर्टेंट भाषा में क्या बोल देते हैं, फैन कर्व बोलते हैं, फैन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनते हैं। और फैन कर्व कैरेक्टरिस्टिक कैसे बना ये मैंने आपको बताया है कि जो हमारा रिलेशन है, क्योंकि मेरा रिलेशन क्या कहता है, मेरा रिलेशन कहता था कि Q1/Q2 इक्वल्स टू N1/N2, ये था।
और H1 by H2 equals to N1 by N2 का होल स्क्वायर। अगर मैं H1 by N2 की जगह यहां रख दूंगा Q1 by Q2 का होल स्क्वायर रख दूंगा, तो ये मेरी इक्वेशन डिफाइन हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या है, ये तो मेरा H1 by H2 क्या है, प्रोपोर्शनल हो गया Q1 by Q2 के स्क्वायर के पास। ये मेरा हो गया फैन कर्व। अब सिमिलरली ये मेरा, अगर मेरे को पहला तो कर्व होगा ये बताना चाहिए, अगर मैं हेड का और क्यू के बीच में अगर रिलेशन बताऊं तो मेरा रिलेशन कैसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा कि अगर मैं जी को बढ़ाते हैं वो हेड मेरा बढ़ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, दूसरा सिस्टम कर्व होता है। सिस्टम कर्व क्या रहता है, अगर मैंने आपको फ्रिक्शन लॉसेस आपने पढ़े होंगे डार्क फ्रिक्शन इक्वेशन, तो वो होती है जो हेड लॉस होते हैं वो होता है FLB2/2GD। इसका मतलब जो आपका प्रेशर ड्रॉप है, जो हेड है, हेड किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि हेड वेलोसिटी के बी स्क्वायर हेड किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी स्क्वायर प्रोपोर्शनल। अगर मैं Q1 को लिखता हूं, अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखता हूं H1 by H2 को Q1 लिखता हूं A1 V1 / A2 V2 का होल स्क्वायर, तो H1 by H2 मेरा कैसे हो गया V1 / V2। तो मेरा यहाँ हेड जो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस तरीके से वेलोसिटी जो कि मेरा इस इक्वेशन से भी आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई भी वैल्यू रखता हूं, अगर मैं कोई टेबल बनाता हूं, एक पर्टिकुलर Q1 रखता हूं, एक Q2 रखता हूं और एक Q3 रखता हूं। Q1 की वैल्यू मैंने 1 रखी, Q2 की वैल्यू मैंने मान लो 3 रखी और Q3 की वैल्यू मैंने 3 रखी। अब इस कर्व को मैं ड्रॉ करता हूं, इसको बोलते हैं हम सिस्टम कर्व। जो सिस्टम कर्व जो होता है वो कैसे प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, वो वेलोसिटी के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। अब मान के चलो मेरे को, मान को चलो सिस्टम कर्व ड्रॉ करना है, तो सिस्टम ड्रॉ करने के लिए मेरा जो डेल्टा एच है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जब मेरा एच वी वन होगा तो डेल्टा एच भी वन होगा। ये मेरा मान के चलो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ठीक है ना। अब आया तो ये आपका आ गया। अब डेल्टा एच इंटू वी स्क्वायर, तो अगर एच की वैल्यू 1 है तो डेल्टा वी वन भी 1 है, ठीक है ना। तो मेरे को एक पॉइंट तो ये मिल गया। अगर मैं इस पॉइंट से सिस्टम कर्व ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा हो गया क्यू वन के करस्पॉन्डिंग सिस्टम कर्व, ठीक है ना। अब मैं Q2 के प्रोपोर्शनल करता हूं, मैं Q2 की वैल्यू डालता हूं, तो Q2 के अगर मैं डालता हूं 2 डालता हूं, तो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, डेल्टा एच कितना हो गया मेरा 4 हो गया। तो डेल्टा एच मेरा हो गया यहां पर आ गया 4, तो ये आ गया मेरा ऐसे, इधर की तरफ मैं थोड़ा करूंगा तो ये मेरा ऐसे आ जाएगा यूं, ये मेरा आ गया। अब Q3 में मैं करता हूं डेल्टा एच, 3 डालता हूं तो मेरा डेल्टा 9 कितना आ गया, 9 आ गया Q3 और ये मेरा 9 आ गया। यहां से मैं, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मेरा Q बढ़ता जाएगा, मेरा जो कर्व है जैसे मैंने अभी बनाया है वाला कर्व, ये कर्व कैसे बना, वो कर्व ऐसे बना है, अगर जैसे जैसे मेरा फ्लो बढ़ता जा रहा है मेरा, ये इधर की तरफ फ्लो राइट हैंड साइड की तरफ श्रिंक हो रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे मेरा फ्लो बढ़ता जाएगा मेरा सिस्टम रेजिस्टेंस भी कम होता जा रहा है। और ये भी क्या कह सकते हो कि सिस्टम रेजिस्टेंस अगर मेरा कम हो रहा है तो उस केस में मेरा फ्लो बढ़ता जा रहा है। तो ये जब हम लोग कर्व इसके करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करते हैं तो ये मेरा होता है फैन कर्व। ऐसे हम लोग फैन कर्व ड्रॉ करते हैं। अब ये जो फैन कर्व की जो लाइन है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहला कर्व होता है वो हमेशा परफॉर्मेंस टेस्ट से निकालते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट के बाद अगर मान लो वो सिमेट्री एक बार मिल गई तो उसी के बाद हम लोग जो फैन कर्व के जो लॉ होते हैं Q1 by Q2 D1 by D2 और Q उससे करस्पॉन्डिंग हम लोग लगाते जाते हैं। अब ये तो मेरा फैन कर्व ड्रॉ हो गया, ठीक है ना भाई। इस Q1 के करस्पॉन्डिंग मेरा इतना H1 है, इस Q2 के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं मान के चलो इनका रिलेशन निकालता हूं, अगर मैं हेड का, अभी क्या है कि हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, कि हम मान के चलो हम न्यूमेरिकल करते हैं, हम एग्जांपल लेंगे, उस न्यूमेरिकल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि फैन लॉ हम लोग प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं। कोई रटा तो आपको कोई भी देगा, रटाने वाले बहुत है इंडस्ट्री में, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है। तो आपको सीखना कैसे ये है, अगर मैं कोरिलेशन लूंगा
तो Q1 के करस्पॉन्डिंग H1 है मेरा हेड, और Q2 के करस्पॉन्डिंग मेरा जो क्या है H2 हेड है, ठीक है ना। Q1 की करस्पॉन्डिंग H1 है, Q2 की करस्पॉन्डिंग H2 है। सिमिलरली अगर मैं Q3 की बात लेता हूं तो Q3 का करस्पॉन्डिंग H3 है। अगर मैं इसको ग्राफ से अगर मैं इसको देखूंगा तो ग्राफ से मेरे को क्या दिख रहा है कि H1 should be greater than H2 should be greater than H3, ये ग्राफ आ रहा था भाई। सबसे पहले H1 है, H1 का हेड सबसे ज्यादा है, H2 का है, H3 का है। अब आता है कि Q1, Q2, Q3, इनका मैं रिलेशन देखता हूं तो इनका रिलेशन क्या है, Q1 आपका, उसके बाद Q2 और उसका Q3। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों हेड और फ्लो हमेशा आपके क्या रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अगर आपका फ्लो बढ़ेगा तो हेड कम होगा, जो कि मैंने फैन कर्व से बताया, अगर आपका फ्लो कम होगा तो हेड बढ़ेगा। तो ये होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन हम लेंगे, उस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि हमको मान के चलो कि जैसे कि हमको फ्लो, मान लो हमारा एक 900 आरपीएम में हमारी किलन चल रही है, उसको हमने 800 आरपीएम पे कर दिया। अब 800 आरपीएम पे हमसे कोई पूछता है कि कितना पावर आएगा, ठीक है ना, या हमसे पूछता है कि कितना फ्लो आएगा, तो हम लोग उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो जो लोग Q1 by Q2, अब कई के लोग क्या करेंगे भाई, N1 N by 2 का हमको रिलेशन पता है, P1 power by power 1 by power 2 equals to N1 by N2 का whole cube, वो डायरेक्टली लगा देंगे, सर हमको तो RPM पता है कि भाई 1000 से RPM हमने 900 कर दिया, और पावर हमको पता ही है जो आ रही है CCR में, उसकी वैल्यू से हम लोग P2 निकाल देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान के चलो, अगर मान के चलो आपके पास, मैं एक सवाल देता हूं, उसको करने का गलत तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, उसको डिस्कस करते हैं डिटेल से, ठीक है ना। तो ये हम लोग पहले इसको डिस्कस कर देते हैं। फैन के मैं तीन चार मॉड्यूल और लूंगा, बताऊंगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन अभी बढ़े नहीं है इतने, तो मेरे को मजा नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में। तो अभी क्या है, अभी अपने को क्या करना है, पहले मैं जो बोल रहा हूं सीख लिया। अब देखो कि अब मेरी जैसे कि मेरा किलन चल रही है, मतलब मेरी क्लन रनिंग कर रही है, मैं N1 RPM दिया है 900 RPM में। अब इस पे मेरा पावर मान के चलो 2000 किलोवाट आ रहा है, मान के चलो। अब कोई भाई साहब ने बोला कि मैं 800 RPM पे ले जाता हूं उसको, ठीक है ना, वो पूछ रहा है कि 800 RPM में लेके तो मेरा किलोवाट कितना आएगा। अब कई लोग क्या करेंगे, पावर का जो तो फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाय पावर 2 का फॉर्मूला, N1 by N2 का होल क्यूब, वो डायरेक्टली लगा देंगे। भाई साहब क्या करेंगे, आएंगे सर N1 लगाए 900 डिवाइडेड बाय 800 कर दिया, होल क्यूब कर दिया, पावर का जो वैल्यू था 2000 रुपए और उसको लगा दिया। लेकिन इसमें आपको जीरो नंबर मिलेंगे। क्यों जीरो नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये जो कर्व है, ये जो फैन लॉ की इक्वेशन है, किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल होगी आपके फैन कर्व के लिए। तो आपको कैसे देखना है, क्या करना है, इसका हम लोग अभी एग्जांपल लेते हैं। एक किसी भी एक्स वाई जेड प्लांट का हम लोग फैन कर्व लेंगे, उस फैन कर्व को हम लोग समझेंगे डिटेल में, और उसमें क्या क्या चीज दी गई है, क्या क्या चीज निकालनी है, उसको हम लोग अब एग्जांपल से समझते हैं। तो उस सबको कैसे करेंगे, कैसे डीप में जाएंगे, वो हम लोग इसको समझेंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, ये हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग जाएंगे। ये तो दो कर्व दिए हुए हैं हमको, और ये केस स्टडी है किसी भी प्लांट की, उस केस स्टडी के हम लोग बारे में पढ़ेंगे कि वो केस स्टडी में हमको क्या क्या सॉल्व करना, क्या क्या नहीं सॉल्व करना है। तो अब इस केस स्टडी में हमको ये दिया गया है कि जो फैन की जो डिजाइन कंडीशन है, फैन की जो डिजाइन कंडीशन है हमारी, वो दिया है कि 87 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरा टेम्परेचर पे फैन डिजाइन है। फ्लो मेरे को दिया गया 260 मीटर क्यूब पर सेकेंड। स्टैटिक प्रेशर इनलेट पे दिया गया 10,702 पास्कल, और जो हेड दिया है फैन का वो कितना दिया है मेरे को, दिया है 10,10402, ये फैन हेड दिया है, ठीक है ना। अब क्या है, फैन हेड दिया है, अब पावर मेरे को ये दिया है शाफ्ट पावर, शाफ्ट पावर कितना दिया है मेरे को फैन का, ये है 3210, और डेंसिटी मेरी 0.8430 kg per meter cube है। तो
तो और आरपीएम कितना दिया 1000 दिया है। तो जनरली जब फैन जब हम लोगों को कर दिया जाता है तो हमको ये क्वेश्चन दी जाती है कि हमारा जो फैन है वो कितने टेम्परेचर, कितनी डेंसिटी और कितने हेड और कितने फ्लो के लिए डिजाइन है। अब क्या है बेसिकली इसमें दो कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कर्व दिया है हेड और फ्लो के बीच में, मतलब अगर मैं बोलूंगा तो ये है क्यू वर्सेस डेल्टा है, तो ये मान लो फ्लो वर्सेस हेड के बीच में कर्व दिया है, और ये वाला जो कर्व दिया है जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये वाला जो कर्व है वो फ्लो और शाफ्ट पावर के बीच में है। अब क्या है जो हमको डिजाइन कंडीशन दी गई, अगर हम लोग डिजाइन कंडीशन पे अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है ना, तो डिजाइन कंडीशन हमको दी गई है कि हमारा जो फैन का जो डिजाइन है 260 मीटर के ऊपर सेकंड पे है। अगर मैं यहां जाता हूं, ये मेरा 200 हो गया और ये मेरा 250 हो गया और ये मेरा 300 है, तो 260 मेरा लगभग कहीं यही होगा, और 260 पे अगर मैं करता हूं और इसी आरपीएम में मैं जाता हूं तो मेरा जो मोटा मोटा जो हेड आ रहा है वो कितना आ रहा है 10402 आ रहा है। ये मेरा एक डिजाइन कंडीशन दे दिया गया। सिमिलरली ये जो मेरा कर्व जो हमने पढ़ा था वो है, एक और कर्व होता है जो हम लोग करते हैं फ्लो वर्सेस पावर का, तो फ्लो वर्सेस पावर का कैसे कर्व ड्रॉ होता है, वैसे ड्रॉ करता है, क्योंकि जो मैंने फैन का रिलेशन बताया था पावर से वो क्या था कि आरपीएम के क्यूब पे प्रोपोर्शनल होता है, तो जो जैसे जैसे आपका आरपीएम बढ़ता रहेगा जो डिफरेंस होगा आपस में वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे कि 400-500 आरपीएम पे देखो तो इतना डिफरेंस नहीं है, अगर मान के चलो मैं 150 फ्लो पे ही, अगर मेरा ये 400 आरपीएम पे और मेरा इतना फ्लो है उसकी करस्पॉन्डिंग पावर ये, ऐसी करस्पॉन्डिंग अगर मैं 500 आरपीएम पे मेरा फ्लो उतना है और पावर मेरा ज्यादा इतना इंपैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं आरपीएम बढ़ाते आ रहा हूं ये मेरा जो डिस्टेंस है, ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो अगर मैं सेम पे ही करता जाऊंगा तो वो मेरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरा वो किसके प्रोपोर्शनल है, पावर के क्यूब पे प्रोपोर्शनल है। तो अब मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा तो ये मेरा जो डिजाइन है वो मेरा क्या है 260 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो 260 में यहां होगा मेरा कहीं पर लगभग, और 260 के अंदर मैं रेड वाई डेफिनेशन लाइन लगा दी, उसी करस्पॉन्डिंग ये मेरा जो आ गया पावर 3250 किलोवाट 3250 मेरा आ गया। तो ये प्लांट का फैन कर जो हमको दिया जाता है सप्लायर के थ्रू, तो ये तो डिजाइन को उसने दे दिया। अब सवाल क्या है, सवाल अब समझना है कि हमको सवाल इस फैन कर्व को हम लोग रीड कैसे करते हैं ये समझेंगे, और उसको भी रीड तब जब हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे उसी न्यूमेरिकल में आपको समझ में आएगा कि फैन को हम लोग रीड कैसे करते हैं। अब सवाल ये है कि मान लो मेरा जो अभी कंडीशन दिया है कि इतना आरपीएम 1000 है, मान लो इसी आरपीएम को मैंने कर दिया 900, मतलब नया आरपीएम मेरा आ गया N2 मान लिया मैंने उसको 900 और N1 मेरे को कितना दिया गया 1000 आरपीएम दिया गया। अब मुझसे भाई साहब किसी ने पूछ लिया कि शाफ्ट पावर जो न्यू शाफ्ट पावर है वो कितनी आएगी। भाई अब मैंने जैसे कि पहले आपको दिखाया था कि न्यूमेरिकल किया था कि भाई Q1 बाई Q2 आपने लगा दिया, N1 में N2 जा रहे Q1 में V2, और मैंने बोला कि मैंने आरपीएम चेंज कर दिया मेरा न्यू शाफ्ट पावर कैसे आएगी, तो वो ही न्यूमेरिकल है। इसको हम लोग इस कर्व में अब समझते हैं कि कैसे लगाते हैं, जो मैंने बोला था गलत है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब क्या है कि जब मैंने N1 1000 आरपीएम दिया है और N2 मेरा 900 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमसे क्या पूछा, शाफ्ट पावर पूछा है। अब शाफ्ट पावर के अगर मैं कर्व में जाता हूं तो शाफ्ट पावर के कर्व में मेरे को क्या मिलता है, क्यू और क्लोवाट का कर्व है। अगर मैं कर्व देखूंगा तो किसका कर्व है, यहां क्लोवाट है और यहां पर क्यू है, लेकिन यहां कहीं पर भी मेरे को ये अगर मैं को अगर यहां पर शाफ्ट पावर निकालना तो मुझे यहां क्यू आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन में, सबसे पहले आपका करोगे N1 और N2 अगर आपको पता है तो आप लगाओगे फैन लॉ। अब इस इक्वेशन से हम लोग पावर निकालेंगे। अब एप्लीकेशन आता है फैन लॉ का, फैन लॉ लगाते कैसे। अब मैंने इसी इक्वेशन में लगाया फैन लॉ, तो फैन लॉ अगर मैं लगाता हूं, ठीक है ना, तो फैन लॉ अगर मान लो मैं लगाता हूं, तो फैन लॉ लगाने के लिए ये मेरा, मैं इसको रब कर देता हूं खाली ऊपर वाले न्यूमेरिकल को, जिसमें मेरे को ये या नीचे यूज कर लेता हूं, ठीक है ना। तो फैन लॉ लगाने के लिए मैंने लगा दिया H1, ये मेरा जो था
वो था एच वन डिवाइडेड बाय एच टू इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू का होल स्क्वायर, यही था। अब मेरे को ये पता है कि अगर मुझे वो निकालना है, H2 निकालना है, H1 मेरे को पता है कितना दिया है, कितना दिया है 1040 ट्यू दिया है, तो मेरे को अगर H2 निकालना है तो H2 मेरा कितना होगा N2 by N1 का होल स्क्वायर इंटू एच वन होगा कि नहीं होगा, यही होगा सिंपल सा। तो अगर मान के चलो मैं H2 निकालता हूं तो H2 निकालने के लिए मेरा जो होगा 10402 इंटू N2 कितना है मेरा 900 और N1 कितना है 1000 का होल स्क्वायर। तो ये अगर मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो ये कट गया 0.9 और ये लगभग 01040 इंटू 0.8 बना गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10,400 को 0.81 से, तो वो मेरा कितना आएगा, वो मेरा आएगा 8425 पास्कल। समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्या था कि पहला हमको जो आरपीएम दिया था उस आरपीएम के अनुसार हमने क्या निकाल दिया, हेड निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 900 आरपीएम पे और हमको कितना हेड दिया गया है 8425 दिया है, तो ये मेरा 1000 है और ये 800 है, तो कहीं ना बीच में इसका कहां होगा, ये 9000 पास्कल होगा और 8000 9000 के बीच में कहीं ये मेरा 8425 पास्कल होगा। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन में ब्लैक को ड्रा कर रहा हूं इसको मैंने टकराया, इसको इस पे 900 आरपीएम पे मैंने इसको करवाया इंटरसेक्ट और इसके करस्पॉन्डिंग डॉटेड डॉटेड करके मैं नीचे ले आया, तो ये मेरा लगभग कितना आ गया 200 और ये 200 250, तो ये लगभग मेरा लगभग आ गया पर 240 के आसपास मेरा आ गया। तो कहने का मतलब है कि आपने हेड के करस्पॉन्डिंग सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट किया 900 आरपीएम पे और 900 आरपीएम वर्टिकल लाइन लिया, तो उससे आपको क्या आ गया, आपको फ्लो मिल गया। तो सिंपल सा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप पहले वाले कर्व से हेड निकालेंगे, हेड की करस्पॉन्डिंग क्या क्या फ्लो आ रहा है वो निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो मेरा फ्लो आया है इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा फ्लो आया है 240 के आसपास, अब हमको क्या करना है कि इस 900 आरपीएम पे ये जो 240 आया है ये मेरा जो था ये मेरा 200 है, ये 260 है, 25 है, ये मेरा ये है, इसी करस्पॉन्डिंग मेरे को क्या लेना है अपना, ये जो मेरा आया है 240 250 जो भी आया है इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को 900 आरपीएम पे लेना है। तो जब मैं 900 आरपीएम पे लूंगा तो ये लगभग मेरा कितना किलोवाट आ गया 2000 किलोवाट आ गया। समझ में आया? तो अपने को कहने का मतलब है कि जो फ्लो आया है उसको मैं यहां करूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन ले ली और वर्टिकल लाइन के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को मतलब अगर मान लो ये मेरा मान के चलो ये मेरा 240 मीटर क्यूब पर सेकंड आया, 240 मतलब इसके करस्पॉन्डिंग 8425 पास्कल के करस्पॉन्डिंग मेरा फ्लो कितना आया, फ्लो जो आया वो मेरा आया 240 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये 240 को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया और 240 के करस्पॉन्डिंग मैंने 900 आरपीएम को कर्व दिया गया है और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने 2000 पे देखिए। अब एक और चीज इसमें हम लोग ले लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा जो शाफ्ट पावर आ गया वो मोटा मोटा कितना आ गया 2000 किलोवाट आ गया। तो ये मेरा एक तरीके से फैन कर्व का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग ऐसा करता है। तो कभी भी जो आपका जो भी अगर आपका रोमिल फैन हो या सिमिल का फैन हो, कोई भी फैन हो, अगर उसको आरपीएम आप घटाओगे बढ़ाओगे उसका जो हेड पे और जो फ्लो पे और जो पावर पे जो इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको किसे निकालना पड़ेगा, वो आपको किसे निकालना पड़ेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा फैन कर्व से। इस तरीके से आपको कभी भी वैसे नहीं निकालना है, डायरेक्ट कभी भी आपको फैन लॉ नहीं लगाना है। हाँ, अगर उसमें लिखा जाए कि ये फैन लॉ फैन कर्व को कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं तो आप लगा सकते हो, लेकिन आपको लगाने का तरीका ये होता है। अब दूसरा सवाल आता है कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमको जो आरपीएम होते हैं 400 500 600 700 800 9000 का दे दिया गया कर्व, लेकिन 950 का नहीं दिया गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो फैन कर्व फैन लॉ होता है फैन लॉ के करस्पॉन्डिंग अगर आपको 900 पे दिया गया है और 950 पे निकालना है तो आपको वही इक्वेशन जो N1 by N2 और Q1 by Q2 भी लगती है
उससे अपने को नया Q2 लगाना पड़ेगा, उस Q2 से फिर वापस से एप्लीकेबल करके आपको कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। मान के चलो जैसे कि आपको 850 पे कर्व नहीं दिया गया है, तो 850 पे आप कर्व कैसे ड्रॉ करोगे? 850 पे ड्रॉ करने के लिए आपका करोगे N1 और N2, आपको पता है 900 N1 होगा, 850 N2 हो गया। N1 पे मान के चलो आपको फ्लो पता है, ठीक है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको 850 पे निकालना है। तो आप लोग डायरेक्ट N1 N2 से Q2 आपको पता चल जाएगा, इस Q2 के करस्पॉन्डिंग आपको हेड भी पता चल गया। तो Q2 पता है, हेड पता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पावर भी बदल जाएगा, वरना इसी दोनों को आप इसको प्लॉट कर सकते हो। तो उसके लिए आप फैन लॉ लगा के फैन कर्व आप प्लॉट कर सकते हो। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था फैन लॉ का, कि फैन लॉ हम लोग लगाते कैसे हैं, कैसे कर्व ड्रॉ होता है, पावर के साथ रिलेशन कैसे जाता है, पावर के साथ कर्व का रिलेशन ऐसे जाएगा, और फ्लो के साथ हेड का कैसे रिलेशन जाता है ऐसे जाता है, फ्लो का पावर के साथ ऐसे जाएगा और फ्लो हेड के साथ ऐसे जाएगा, मतलब जैसे जैसे फ्लो बढ़ता जाएगा आपका पावर ऐसे एक्सपोनेंशियली क्यूब की फॉर्म में बढ़ता जाएगा। तो ये सारा सिंपल सा रिलेशन है कि पैसे बढ़ेगा और ये रिलेशन करता है कि क्यूब बढ़ेगा तो आपको हेड करेगा। तो बहुत सिंपल सा था आज जो फैन कर्व ने जो टॉपिक पढ़ाया, फैन लॉ बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, क्योंकि लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको डिफिकल्ट इसलिए बना देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन के लिए। अब मैं कुछ डाउट्स ले रहा हूं जो कमेंट्स में आए थे, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कीजिए, ताकि मैं उसको कभी भी जब मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसको मैं कवर कर लूंगा। तो वो डाउट्स, एक दो डाउट्स ले लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को जितने आप लाइक कर सकते हैं। तो अभी क्या है, अब हम लोग उसका एक दो लोगों ने कमेंट करके कुछ सवाल पूछे थे, उनको मैं बता देता हूँ। पहला किसी ने पूछा था कल कि ट्रांसवर्स पॉइंट क्या होता है, तो ये मेरी डक्ट है, ठीक है ना, ये मेरा डक्ट है जिसमें मेरा गैस फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है। तो जनरली क्या होता है कि ये मेरा फैन हो गया, मान के चलो ये मेरा, मान के चलो ये मेरा सक्शन, यहां मेरा मान के चलो ऐसे जा रहा है मेरा, ये मेरा यहां पर सक्शन बॉक्स बना हुआ है, डबल एंट्री फैन है, ये है ये है, ठीक है ना, और मेरा गैस फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ। अब क्या होता है कि एक तो हमारा जो पॉइंट यहां रहता है, मतलब जहां पर ये सक्शन बॉक्स बने हैं यहां पर एक फैन इनलेट पे रहता है एक पॉइंट, जिससे हम लोग स्टैटिक प्रेशर ले लेते हैं, मतलब एक पॉइंट आपका फैन इनलेट पे रहेगा जहां हम लोग फ्लो लेते हैं, जिस पॉइंट पे हम लोग फ्लो लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स पॉइंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स पॉइंट। तो कई लोग पूछते हैं कि ट्रांसवर्स पॉइंट क्या है, किसी ने एक आदमी ने कमेंट किया, तो उसको मैं बता देता हूं। जिस पॉइंट पे आप फ्लो लोगे, जैसे कि आपकी डक्ट ले रही है, जिस पॉइंट पे हमने स्टैटिक प्रेशर लिया, इस उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स पॉइंट बोलेंगे। उसके नीचे जो हमारा, और लेकिन जब हम लोग फैन एफिशिएंसी निकालते हैं तो फैन एफिशिएंसी की हम लोगों को कहां पर प्रेशर चाहिए? फैन इनलेट पे चाहिए और फैन आउटलेट पे चाहिए। तो जब किसी दिन मैं फैन एफिशिएंसी का मॉडल दोबारा से बढ़िया तरीके से कवर करूंगा तब मैं एक बार और ये चीज कवर कर लूंगा, लेकिन किसी का डाउट था तो इसलिए मैंने बता दिया कि ट्रांसवर्स पॉइंट क्या होता है। दूसरा एक जाने का डाउट था कि भाई हम लोग जो फॉल्सें निकालते हैं वो वॉल्यूम बेसिस पे होती है कि वो मास बेसिस पे होती है? तो भाई जो भी हम लोग फॉल्सें निकालते हैं वो हमारा हमेशा मास बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है। जैसे कि हम लोग फ्लू गैसेस में निकालते हैं, फ्लू गैसेस में हम लोग ऑक्सीजन बेसिस पे निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि अगर आप उसको मास बेसिस पे भी निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन ऑक्सीजन बेसिस पे हम लोग इसलिए निकाल लेते हैं उसको, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है, इसलिए हम ऑक्सीजन बेसिस पे निकाल लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एयर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि एयर में ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन आपका बढ़ा रहा है, तो वो हम लोग एप्लीकेबल है, ठीक है ना, कैलकुलेशन वाइज। लेकिन जो भी हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो मास बेसिस पे ही हम लोग फॉल्स एयर निकालते हैं। और किसी ने बोला था कि सर हमको न्यूमेरिकल बता दीजिए कि भाई एयर पे हम लोग जो करते हैं उसका न्यूमेरिकल, में छोटा सा ले लेता हूं एग्जांपल। जैसे कि ये मेरी मान के चलो वर्टिकल मिल है VRM है, और ये मेरा बैग हाउस है मान के चलो, ठीक है ना, और ये मेरा फैन इनलेट हो गया, और ये मेरा मेल इनलेट हो गया मान के चलो, ठीक है ना। अब मान के चलो मेरे को यहां पर निकालना है, तो जनरली जब हम लोग फ्लो लेते हैं तो फ्लो लेने से हमको यहां पर क्या क्या मिल जाता है? मीटर क्यूब में आवर मिल जाता है यहां पर,
यहाँ पर हमको फ्लो ले लिया, हमने टेम्परेचर पता है हमको, और हमने यहाँ पर करेक्टेड डेंसिटी निकाल ली, ठीक है ना। मान के चलो इस पॉइंट पे फैन इनलेट पे अगर मेरे को फ्लो पता है मीटर की पर आवर में 7 लाख, सात हजार हो गए, सात ये 1,700, 1,000, 10,000, ये मेरे को हो गया फैन का फ्लो। अब इसको मेरे को केजी पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो केजी पर आवर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसी फ्लो को मैं डेंसिटी करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मान लो यहां पर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर में डेंसिटी आ रही है 0.9 के आसपास आ रही, मान के चलो, तो 7,000 मान लो मेरा केजी पर आवर यहां मास फ्लो रेट आ गया, ठीक है ना। तो इसको मैंने मान लिया M3 कितना आ गया मेरा 6,30,000 केजी पर आवर आ गया। अब क्या है कि ये मेरा अगर मुझे करस्पॉन्डिंग वो करना है, कॉल से निकालना है, तो ये मैंने मान लिया M3 की वैल्यू मैंने मान ली इतनी। अब जो सिस्टम में फॉल्स एयर जा रहा है वो आ रहा है M2 क्या जा रहा है मेरा, फॉल्स एयर जा रहा है, और M1 मेरा VRM का आउटलेट जा रहा है। तो M1 + M2 = M3, ये इक्वेशन मेरी होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो M1 + M2 हमको पता नहीं है, ठीक है ना, M3 मेरे को पता है, तो M3 कितनी है 6,30,000 दिया हुआ है। अब क्या है यहां पर, मान के चलो आउटलेट में टेम्परेचर मान के चलो मेरा 85 डिग्री सेंटीग्रेड है, एम्बिएंट टेम्परेचर जो जा रहा है इसका है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर जो टेम्परेचर था वो था 78 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलो। तो मैं अगर मैं एनर्जी बैलेंस करूंगा, तो एनर्जी बैलेंस कैसे करूंगा दोनों इक्वेशन का, वो करूंगा 85 × M1, क्योंकि MCP डेल्टा ऑफ CP मैंने कॉमन ले लिया, प्लस M2 का है M2 × 30 और 6,30,000 × टेम्परेचर यहां पर 78 है। अब क्या है आपके पास दो इक्वेशन है, एक पहली मान लो ये दूसरी मान लो, और दो वेरिएबल है, तो हम दोनों इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे M1 और M2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मुझसे पूछा जाएगा कि यहां पर फॉल्स एयर कितना है, तो M2 कितना है मेरा, M2 जो है मेरा M3 - M1 जो है वो आएगा मेरा केजी पर आवर में फॉल्स एयर। अब कोई पूछता है कि परसेंटेज में निकालो, तो परसेंटेज में क्या निकालेंगे, M3 - M1 / M1 × 100, ये मेरा क्या हो गया फॉल्स एयर परसेंटेज में हो गया अक्रॉस वैल्यूज। सिमिलरली हम लोगों को अक्रॉस VRM निकालना है, तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा हमेशा क्या करते हैं हम लोग यहां चालू करते हैं, तो यहां से मेरे को M1 पता चल जाएगा, और मिल इनलेट को मैंने मान लिया M.M0, और यहां पर मैंने कोई फॉल्स एयर जा रही है, तो इसके क्रॉस भी हम लोग सिमिलरली इक्वेशन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है फॉल्स एयर का जो कैलकुलेशन है हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत सारी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत आए फिर भी आप इसको कमेंट में कीजिए, कमेंट में होगा तो मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा और दोबारा से इसको दूंगा, ठीक है ना। तो ये अपना एक तरीके से फैन लॉ जो हमने आज पढ़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे कि फैन की एफिशिएंसी वो पढ़ेंगे, फैन न्यूट्रोफिकेशन पढ़ेंगे, केस स्टडीज पढ़ेंगे, जीए ड्राइंग कैसे लगते हैं फैंस के बारे में वो पढ़ेंगे, और ये जो वीडियोस है आपको अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ आपको कहीं पर भी आपको समझाएगा भी नहीं, और आता भी होता तो समझाते नहीं है, ठीक है ना। तो ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।